हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। ये पेपर कोड M55 दैट मीन्स जामिया एम बी फुल टाइम एम बी आई बी एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस का कम्बाइंड क्वेश्चन पेपर है और ये ओरिजिनल पेपर का जो है वीडियो शूट किया गया है और इसका इस पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आंसर की का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का वीडियो शूट अपलोड करने का रीज़न ये होता है कि अगर बाय द वे जैसे जो हम लोगों ने अपने फाइल अपलोड करवाई है उसमें कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। किसी डायग्राम को रीड करने में अगर कोई इशू आ रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, कभी क्वेश्चन पेपर में ही एरर होती है तो आपको लगता है कि शायद ये टाइपिंग मिस्टेक होगी तो आप उसको जो है आप चेक कर सकते हैं वीडियो से। तो इसी वजह से इसका वीडियो शूट करवा दिया जाता है कि आप इजीली जो है उसे चेक कर लें पेपर को। जामिया एम बी ए फुल टाइम या एम यू के लिए या मैट के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप एग्ज़ाम बीट करना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्टार एजुकेशन ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग कम्प्लीट सिलेबस कवर कराते हैं और लास्ट ईयर से हम लोगों ने ये पैटर्न सेट किया है कि कम से कम जो है 5 to 6 चैप्टर को कैट स्टैंडर्ड लेवल पर हम लोग करते हैं क्योंकि जामिया ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है तो कैट लेवल पर भी हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। और उसके बाद फिर जो है चैप्टर वाइज आपको सेक्शनल टेस्ट जिसे बोलते हैं वो दिया जाता है। अलॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, एक चैप्टर के आपको 2 टेस्ट दिए जाते हैं। हम लोग जैसे मैथमेटिक्स को अगर बेस बना लेते हैं तो उसका 2 लेवल का टेस्ट, लेवल 1 और लेवल 2। और उसके साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और करंट अफेयर्स के, जीके के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन बेस हमारा मैथमेटिक्स ही रहता है। इसी तरह से जब हमने परसेंटेज कर लिया उसके बाद फिर नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो उसके 2 लेवल के टेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 लेवल के टेस्ट, हर चैप्टर के आपको 2 लेवल का टेस्ट दिया जाता है। इसी तरह से हम सिलेबस कम्प्लीट करने के बाद फिर आपको 100 क्वेश्चन के आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, इस साल जैसे हम लोगों ने 7 मॉक टेस्ट 100 के ही कॉन्डक्ट किए थे तो जैसे कमिंग ईयर में आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइक जैसे कि आपको 10 12 15 मॉक टेस्ट भी मिल सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको फिर जो है ये 100 मॉक टेस्ट कम्प्लीट करने के बाद फिर हम लोग 170 जो जामिया के ऊपर बेस्ड होता है क्योंकि जामिया का पैटर्न 170 का है, एम यू का 100 का है, तो फिर 170 के मॉक टेस्ट एक अच्छे लेवल पर आपको देते हैं। मॉडरेट लेवल पर देखिए, ईजी लेवल का तो नहीं बनाया जाता क्योंकि जामिया में ईजी लेवल के क्वेश्चन का नहीं आते, तो जामिया में मॉडरेट लेवल या लेवल जो आता है इसका थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हमने सबसे पहले टेस्ट की बात इसलिए की कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को बीट करने का बेटर वे यही होता है कि आप उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दें, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और प्रिपरेशन के बाद भी आप जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतने ही बेटर आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थी टेस्ट की बात। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हम लोग करते हैं, अगर आप ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करते हैं तो आपको PDF फॉर्म में पूरे असाइनमेंट दिए जाते हैं, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको उसके बुकलेट के फॉर्म में आपको जो है असाइनमेंट दिया जाता है। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट, कंप्लीट असाइनमेंट, नॉट ओनली सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, आपको उसके बाद जीके की प्रॉपर क्लास होती है, जीके की क्लास में आपको सारी चीज़ें जो है एलाबरेट की जाती है अच्छी तरह से। करंट अफेयर जो होता है वो मंथली हम अपने मॉक टेस्ट में देते रहते हैं और सर भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस कराते हैं। इसी तरह से इंग्लिश के लिए भी आपको इंग्लिश के असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लाइक एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, एडियम है, फ्रेजेज है, ये सारे असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इंग्लिश के लिए बेटर वे यही होता है कि आप न्यूज़पेपर को रीड करना शुरू कर दें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। और सबसे बेस्ट जो न्यूज़पेपर है वो द हिंदी न्यूज़पेपर अगर आप रीड करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक GDPI की भी क्लासेस मंथ में कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 क्लासेस आप ज़रूर अटेंड करें, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की। पहले पर्सनल इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराते हैं क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो 20 मार्क्स का कंटेन करता है और GD जो है वो 10 मार्क्स का है। टोटल जो हो गया 30 मार्क्स हो गया, 170 का क्वेश्चन पेपर होता है, 30 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, तो टोटल हो गया 200। तो 200 में अगर पेपर अगर जैसे कि मॉडरेट है तो आपको अगर आपने मान ली 70 और 70 अबव कर लिया स्कोर तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अगर पेपर टफ है तो इसकी मेरिट जो है लो जाती है। अगर आपने 35-40 भी स्कोर किया हुआ है तो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको ज़रूर कॉल आ जाता है। 170 में 30 और 40 क्वेश्चन अगर आपका सही है, टोटल एग्रीगेट यानी कि स्कोर आपका 30 और 40 के बीच में बनना है तो आपको सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, आपको मतलब GDPI के लिए आपकी कॉल आ जाएगी। उसके बाद GDPI में अगर आप 20 नवाब स्कोर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की।
इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको सबसे बेस्ट वे यही होता है कि जैसे ग्रामर की क्लासेस टीचर लेते हैं इन जनरल, आप हमारे यहाँ करते हैं किसी भी सेंटर पे करते हैं, तो ग्रामर की क्लासेस हो गई और कैप की क्लासेस हो गई। लेकिन बेटर वे आपको इम्प्रूव करने का इंग्लिश का ये होता है कि आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर आप रीड करना शुरू कर दें। कोई सा भी न्यूज़पेपर आपके पास है, लाइक जैसे कि सबसे बेस्ट तो द हिंदू है, अदरवाइज द हिंदू अवेलेबल नहीं है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी पेपर आप रीड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है वो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है, उसको आप डेली रीड करें, कम से कम जो है 2 पेज 3 पेज जितना आप रीड कर सकते हैं। एडिटोरियल पेज को ज़्यादा फोकस करें, एडिटोरियल पेज आप ज़रूर रीड करें उसको, और हर तरह के कॉलम को पढ़ने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एडिटोरियल पेज ही नहीं, जैसे लाइक बिजनेस न्यूज़ भी आप पढ़िए और क्राइम से रिलेटेड रिपोर्ट पढ़िए। जितनी भी डिफरेंट टाइप के आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे ना, तो आपको डिफरेंट टाइप के वर्ड मीनिंग भी आपको पता चलेंगे। और मतलब आपको एक फिजिकल एक्सटेंस में जैसे कि आप डायरी बनाइए और उसमें पेन से आप नोट कीजिए। ये नहीं कि इन जनरल क्या होता है स्टूडेंट्स, और जैसे मोबाइल पे आप जैसे कि ऐप के थ्रू रीड कर रहे हैं तो जो मीनिंग नहीं है उसी को सेलेक्ट करके गूगल से देख लिए बस हो गया। आप उसको नोट डाउन करते हैं ना, तो आपके पास एक कलेक्शन होता है, आप उसे टाइम टू टाइम जो है रिवाइज कर सकते हैं। और जिस हेडिंग में जो मीनिंग नहीं आता उस पूरी हेडिंग को आप नोट करें, और हेडिंग को नोट करने के बाद जो मीनिंग नहीं आता अगर आप उसको देख लेते हैं, उसका वो पूरी हेडिंग आपको याद हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा सा बेटर होती है और आपको वर्ड मीनिंग भी ज़्यादा पता है, ज़्यादा अच्छे तरीके पर याद हो जाते हैं अगर आपने पूरी हेडिंग पूरी नोट कर ली है डायरी में या कॉपी में जो भी आप बना रहे हैं। तो इंग्लिश में आप ज़्यादा एफर्ट लगाएं, इंग्लिश स्कोरिंग भी होता है, आप बेटर वे पर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डीआई की। तो हम लोग मैथमेटिक्स में डीआई को अब हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी चेंज की है कि जैसे डीआई हम लोग शुरू में ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डीआई बहुत ही आसान, बहुत ही स्कोरिंग होता है। आपने 2-3 चैप्टर अगर आपने मैथमेटिक्स में अच्छे से कर लिया है, पहला चैप्टर जैसे आपने हम लोग परसेंटेज कराते हैं, परसेंटेज के बाद आपने नंबर सिस्टम कर लिया है और कुछ थोड़ा सा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट लगता है एवरेज का और रेशियो का, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अगर आप डीआई करते हैं तो डीआई में बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट कर लेनी होती है। तो डीआई विद इन टाइम लिमिट में आप कर सकते हैं, जैसे एक सेट आता है 5 क्वेश्चन का, तो 5 क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो 5 मिनट में आप आसानी के साथ कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और एक्यूरेसी भी इसकी बेटर होती है डीआई की। और जैसे इस सेट में जो डीआई आया था थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी। इन जनरल जो डीआई आता है वो 2020 तक की हम बात करते हैं तो मॉडरेट डीआई होता है, आप इजीली कर सकते हैं डीआई को। और डीआई हो गया, उसके बाद फिर रीजनिंग में आपके सारे टॉपिक्स करने हैं, वर्बल भी नॉन वर्बल भी करना है, जहाँ ये बहुत अनसर्टेन एग्जाम है, और क्रिटिकल रीजनिंग को भी करना चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग का जैसे हम लोग जो असाइनमेंट देते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग की कुछ टिप्स और ट्रिक अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसान होता है, क्रिटिकल रीजनिंग टफ नहीं होता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग 2017 में, 18 में और उसके बाद फिर 28 क्वेश्चंस मतलब पूछा गया है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे भी फोकस करना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स के एक बार तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद कुछ चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए। लाइक जैसे कि आपने जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस के ऊपर जो है 2020 में 5 क्वेश्चंस आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के आए थे, लेकिन इसी तरह से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरेज के सारे चैप्टर आप देखेंगे तो ठीक ठाक क्वेश्चंस मिल सकते थे इससे। लेकिन 2021 में ज्योमेट्री बेस्ड था, तो आपको इस बार अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप चेस कर रहे हैं तो आपको ज्योमेट्री पे भी फोकस करना पड़ेगा। ज्योमेट्री है, लॉगरिथम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, और इस साल भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, इसी क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, आप कर सकते थे। इनफैक्ट 2020 में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये नहीं है कि आप किसी चैप्टर को नेगलेक्ट कर दें, आपको पूरा सिलेबस तो एक बार ज़रूर कंप्लीट करना है, उसके बाद जिस पे आपकी एक्सीलेंसी हो उसको अच्छे से करना है। और जीके कभी जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे अप टू द मार्क्स नहीं था, मतलब हम ये कहते हैं कि जो एक ट्रैक्स पे जैसे आते हैं क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे गए थे, लेकिन जीके में एक स्कोरिंग होता है, आप कम टाइम में आप बेटर स्कोर कर सकते हैं, तो जीके पे भी अच्छे से आप फोकस करें। जीके के लिए आप क्या है कि जैसे कि जो हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट हम नहीं कह सकते, शुरू में जो क्लास टेस्ट लेते हैं सेक्शनल टेस्ट, हम लोग जीके के क्वेश्चन उसी में ऐड करना शुरू कर देते हैं, जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स, उसकी खूब आप प्रैक्टिस करें। और इस साल कोइंसिडेंट था, थोड़ा जीके का पेपर ठीक नहीं आया था, अदरवाइज आपको जीके के पेपर जो है वो ऑलमोस्ट इतना मिलता है कि अगर 25-30 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाता है, तो उन क्वेश्चन को आप जो है मान ली 30 क्वेश्चन अगर आता है तो विद इन 10 मिनट्स आप इजीली कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बहुत ही मतलब आपको जो है आपके लिए मतलब एक बेटर स्कोर हो जाता है हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर जो सेक्शन आपको बेटर लगता है
मेरे कहने पे नहीं कि आप खुद डिसाइड कीजिए। इसलिए हम कहते हैं आप टेस्ट दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि हमें किस सेक्शन पे ज़्यादा हमारा वीक पॉइंट क्या है। हर स्टूडेंट्स की अलग अलग वीकनेस होती है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, ये आपको डिसाइड करना है। किसी से पूछना नहीं कि सर हम कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा हमें पहले करना चाहिए, कुछ नहीं। आप एम्पल्स ऑफ मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं इसी वजह से कि आप खुद डिसाइड कीजिए क्या हमें करना है। और एक चीज़ और जो हमारे मतलब एक एनवायरनमेंट में एक मिसकंसेप्शन ये फैला हुआ है कि तुक्का लगाने का तरीका, ये टोटल स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जाता है। अगर आप मेरा अपना ओपिनियन पूछेंगे तो तुक्का लगाने का कोई सर्टेन वे नहीं होता है। इनफैक्ट जो हम लोग मॉक टेस्ट जो डिज़ाइन करते हैं उसके ऑप्शन को भी इस तरह से डिज़ाइन कर दिया जाता है कि अगर आप गलती करोगे, तुक्का करोगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये एक मतलब एक अलग वे होता है। और आप पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं और तुक्का लगाने का ट्रिक सीखना है तो आपको एक वीडियो देख करके आप फिर एग्ज़ाम दीजिए। तो तुक्के का जो है वो 95% बच्चे फेल हो जाते हैं, उसमें कभी नहीं उनको सक्सेस मिलती। किसी एक दो बच्चे या होता है में के झूठ फैला दिया जाता है कि हाँ हमने तुक्का मारा था, मेरा सिलेक्शन हो गया, रेयरेस्ट होता है, ऐसा होता नहीं इन जनरल। तो आप हार्ड वर्क पर बिलीव करें, कड़ी मेहनत करें, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस। और भी कोई कार्य तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।